वाइज ये जो एक्सेलेटर है इसको डालते समय थोड़ी समस्या आ रही थी कि इसका जो ये लीवर एग्जिस्टिंग लीवर है, अब चूंकि ये योग जो है पूरा इसी में है और हम इसको निकाल नहीं सकते, नहीं तो ये ब्रेक लीवर ये सब भी अलग हो जाएगा, तो हमने ये डिसाइड किया है। तो ये जो इसमें यहाँ पर जो एक जगह दिख रही है जिसमें कि एक्सेलेटर केबल चलती थी, हम इसको फनर से काटेंगे और इसको वापस एज इट इज़ लगा देंगे, क्योंकि हमें इस वाले एक्सेलेटर को भी ज़्यादा अंदर नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक रहेगा ये, ताकि जो इसका जो बटन वाला फंक्शन है वो काम करता रहे। तो इसीलिए हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था, लगभग आधा इंच के आसपास, तो हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको खोल लिया है, ये जो लीवर है इसको ऑलरेडी हमने खोल लिया है। अब इसको बाहर निकालने के बाद में इसको हम काट देंगे। तो गाइस इस योग को हमने देखिए कुछ इस तरीके से लगा हुआ था और यहाँ से बराबरी से काट दिया, जिससे कि हमें एक इंच का स्पेस मिल जाएगा। अब आइए इसको वापस गाड़ी के हैंडल में फिट करते हैं। कुछ देर मशक्क़त के बाद में हमने ये जो एक्सेलेटर है उसको कुछ इस तरीके से फिट कर लिया है, और जो वायर है और जो स्विच है वो भी बन गए हैं। हालांकि ये स्विच थोड़ा सा छिप रहा है, हालांकि तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि स्विच है, बाकी सारी चीज़ें सब वैसी की वैसी हैं। और इस तरफ भी हमने जो दूसरी तरफ वाला एंड था उसको भी लगा दिया है और ब्रेक वायर को भी चेंज कर दिया है। अब आइए यहाँ पर पीछे की तरफ जहाँ पे इसमें प्लास्टिक का पूरा सामान रखा हुआ, यहाँ पर इसका कंट्रोलर फिक्स करते हैं और इसकी वायरिंग को फाइनल करते हैं। यहाँ पर हमें कंट्रोलर और एक और जो चीज़ है जिसको कि हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इन दोनों को यहाँ पर फिट कर लेते हैं और इसको एक बार चेक करेंगे मैन्युअली। इस तरीके से हमने ये जो मेन कंट्रोलर है वो उसको यहाँ पर लगाने वाले हैं और ये ट्रांसफार्मर इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसको लगाने के लिए हमने लकड़ी के ये जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको काटा है, ताकि इसके ऊपर रख के हम नीचे से इसमें बोल्ट जो स्क्रू हैं कट स्क्रू वो कस सकें। इसमें भी हमने सेम यही चीज़ें की है। अब आइए इसको कस लेते हैं और फिर उसके बाद में इसकी वायरिंग को करेंगे। तो भाई हमने जो प्राइमरी जो मोटर के जो तीनों फेस के कनेक्शन है वो हमने कर लिए हैं, देख सकते हैं कि सेम कलर के वायर हमने जोड़े हैं। अब यहाँ पर जो दो प्लस और माइनस के वायर, प्लस ये जो स्विच का वायर है कंट्रोलर को ऑन करने का, इसको हमें जोड़ना है। बेसिकली ये प्लस से ही जुड़ा होता है इस तरीके से कुछ, और अब हमें यहाँ पर प्लस माइनस देना है। और बाकी एक्सेलरेशन के लिए हमने ये वाला वायर जो है इसको यहाँ जोड़ दिया है और ये वायर जुड़ा है एक्सेलेटर से। तो अभी फ़िलहाल हम उसको एक बार थोरोली बस चेक भर करेंगे कि सब कुछ सिस्टम ठीक है या नहीं। और 48 वोल्ट जनरेट करने के लिए हमने चार बैटरी ली हैं, अलग अलग हैं कैपेसिटी की, पर चारों चार्ज हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको हमें सीरीज़ में जोड़ना है और कनेक्शन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस वाला वायर है और ये जो है ये प्लस का वायर है। बाकी इसको हमने एक बहुत ही पतले वायर से एक कनेक्शन को जोड़ा है, ताकि ये फ्यूज़ की तरह काम करे, ज़्यादा अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता तो ये उड़ जाएगा, क्योंकि सब मिनिमम 35 एम्पीयर की लाइन है। उसके अलावा बाकी सब हमने मोटे वायर का यूज़ किया है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी जो जो वायर हमने जोड़े थे उनको प्रॉपर तरीके से टेपिंग की है, क्योंकि इतना हाई करंट होता है इन बैटरीज़ में कि अगर कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। बाकी एक बार मैं चला के देख चुका हूँ, अब आइए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ये वाला जो वायर है वो वहीं पर हमने फिक्स कर दिया था यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल इसका जो स्टैंड रन होता है, स्टैंड पे लगे हुए, उसके बाद चला के देखेंगे। चलाना शफीक भाई। तो आप देख सकते हैं कि जो मोटर है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है और जो एक्सेलेटर है वो भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। चलाइए। गाइस ये तो था, अभी फ़िलहाल हमने जो काम किया है ये एक टेस्ट पर्पज़ से किया है कि सारी वायरिंग जो है अभी कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंट्रोलर वगैरह भी लगा दिया है। अब इसके बाद में जो हमारा वर्क होगा वो होगा इसका जो ट्रांसफार्मर है उसके कनेक्शन करना, ताकि इसको 12 वोल्ट मिल पाए और जो इसमें बाकी एसेसरी हैं वो सारी चीज़ें काम कर सके। तो वो होगा हमारे अगले वीडियो में। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.